हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि बिना मलाई के घर पे कैसे बहुत ही आसानी से 10 मिनट में घी निकालें। जब हम मार्केट में घी खरीदने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये घी प्योर है या नहीं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे घर पे हम बहुत ही आसानी से एकदम शुद्ध घी बना के रेडी कर सकते हैं, और वो भी बिना मलाई के। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसके बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। घी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 बटर। 1 बटर 250 ग्राम का है, तो ये इन टोटल 750 ग्राम है। और ये अनसॉल्टेड बटर है। हमें घी बनाने के लिए प्लेन बटर चाहिए, उसमें कोई भी सॉल्ट ना हो। जब हम मार्केट से घी खरीदने जाते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि वो वर्थ नहीं है, उसमें वो टेस्ट नहीं है, तो आप इससे घर पे बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। सबसे पहले एक बर्तन को गैस पे रख देंगे। मैंने यहाँ पे इस तरीके का चौड़ा बर्तन लिया है, आप इसकी जगह कोई पैन, कढ़ाई या सॉस पैन भी ले सकते हैं। और इसमें सारा बटर डाल देंगे। आप बटर के थोड़ी छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं या फिर पूरा पूरा बटर इसमें डाल सकते हैं। ये सारे बटर को मैंने इसमें डाल दिया है। अब फ्लेम को हम मीडियम हाई कर देंगे और इसे चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर आप बटर को थोड़ी छोटे पीसेस करके इसमें डालेंगे तो ये और भी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इसे मेल्ट होने में 2.5 से 3 मिनट लगते हैं। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो ये बर्तन के नीचे तली में लग जाएगा। ये लगभग 2 मिनट हो गया है। ये देखिए बहुत छोटे पीसेस इसमें बचे हैं, हम थोड़ी देर और इसे चलाते रहेंगे। जब हमारा घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो फ्लेम को हम हाई कर देंगे। ये घी अच्छे से मेल्ट हो गया, फ्लेम हाई करके इसमें उबाल आने देंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद ये हल्का ट्रांसपेरेंट हुआ है, बट इसे हमें थोड़ी और देर पकाना है। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। ये देखिए लगभग 8 से 10 मिनट बाद घी हमारा एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये घी हमारा पक गया है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर घी को आप 2-3 महीने तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसे 1-2 मिनट और पका लें। घी जितना अच्छे से पका रहेगा स्टोर करने पे वो खराब नहीं होगा। आपका घी अच्छी तरीके से पका है कि नहीं, इसकी पहचान यही है कि घी एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आप गैस को बंद कर सकते हैं, बट मार्केट जैसा एकदम दानेदार घी बनाने के लिए इसमें हम 1/2 टेबल स्पून के करीब दूध डालेंगे और फ्लेम को हाई ही रखेंगे। दूध डालने से घी हमारा एकदम मार्केट जैसा दानेदार बनेगा। दूध ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1/2 टेबल स्पून के करीब डालना है। दूध डालते ही इसमें बहुत तेजी से उबाल आने लगता है। और ये देखिए इसमें अब उबाल कम हो गया है। हमारा दानेदार घी बन के रेडी है। गैस को बंद कर देंगे और हल्का ठंडा हो जाने देंगे। घी हमारा हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इसे छान लेंगे। 750 ग्राम बटर में हमारा लगभग 650 ml घी बन जाता है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से घी बना के जरूर देखिएगा। आप मार्केट से घी खरीद के खाना भूल जाएंगे, इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। इसकी रेसिपी अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इजी एंड क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।